नमस्कार दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैंने कुछ दो वीडियो पिछले दिनों में बनाए हैं, जिसमें आपको मैंने योग के लिए जिनका शरीर तैयार नहीं है, अशक्त है, अधिक उम्र है, तो वो कैसे शुरुआत करें, उसमें मैंने बताया कि क्या करना चाहिए। पवन मुक्त आसन जैसे थोड़े से बिल्कुल सरल अभ्यास पहले में बताया है, दूसरे में उसी अभ्यासों के साथ मैंने थोड़े और अच्छी चीजें बताई है कि उन्हें करके आसनों के लिए तैयार करें। अब आपका शरीर चूंकि कुछ कुछ सरल आसनों के लिए तैयार हो चुका है, तो अब हमें आसनों की शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अभी किसी अंग विशेष में आपको दिक्कत है मोड़ने में, फैलाने में, तो पवन मुक्त आसन में से उन्हीं अभ्यासों को अपनाइए जिसका प्रभाव उन अंगों पर पड़ रहा है। और अगर आपका शरीर तैयार हो गया है, मैं बोलूंगी सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में सूर्य की ऊर्जा से ही सब कुछ संभव है, और इस अभ्यास को करके हमारे शरीर में भी वही ऊर्जा आती है, वही शक्ति आती है। इसलिए सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए। बेशक अभी आप शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर ये सोच के छोड़िए मत कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका शरीर मुड़ने लग गया है तो शुरुआत यहीं से करें। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे करते हैं। बहुत सरल अभ्यास है, आप जितना मुड़ पाए शरीर के संग जबरदस्ती किसी पोज में ना करें। आप जितना मुड़ पा रहे हैं, जितना फैला पा रहे हैं, उतना ही करिए। करते करते आपका बिल्कुल सभी पोज परफेक्ट होने लगेंगे। 1 से 2 महीने के अंदर सूर्य नमस्कार बिल्कुल परफेक्टली करेंगे। तो मैं आज आपको अभी करके बताती हूँ कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। नमस्कार मुद्रा से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर रखें, पीछे की ओर बैठें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आप कितना कर पा रहे हैं आपके ऊपर है। हो सकता है आप ऐसे करें, न कर पाए, तो कोई बात नहीं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, ब्रीदिंग। जिस पांव को मैं पीछे ले गई थी उसी को आगे लाई, और ब्रीद आउट, ब्रीदिंग, और नमस्कार हो। ये था सूर्य नमस्कार। मैं इसका वीडियो आपको पूरा अपने वीडियो में डाल दूंगी। सूर्य नमस्कार ही सिखाया गया उसमें कि कैसे करना है। आपसे जितना बने, अगर कमर में दर्द हो तो आप मत करिएगा। पहले कमर दर्द को जो अभ्यासों को बताया उन्हें करके ठीक करके उसके बाद ही करेंगे। अब आप खड़े होकर कहाँ से शुरुआत करेंगे? ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींच लें, बिल्कुल पंजों के बल आ जाए, एक जगह पर देखते हुए स्थिर हो जाए, और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। इसका अभ्यास 3 से 4 बार। सांस भरें, पूरे शरीर को ऊपर खींच लें, और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। यहां से शुरुआत करेंगे ताड़ासन। अब है त्रिकोणासन। राइट साइड बेंड हो जाए, ब्रीथ आउट, ऊपर देखें, सांस भरते हुए सीधे। ये था त्रिकोणासन का एक राइट साइड का। अभी हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे, ऊपर देखेंगे, ध्यान वहां ले जाए जहां खिंचाव हो। यहां पूरा खिंचाव आ रहा है, उसे फील करना है लंबी गहरी श्वास के साथ। ब्रीद इन और रिलैक्स। किसी भी पोज को बनाते हुए एक बार श्वास छोड़ी जाती है, फिर ली छोड़ी जाती है, लास्ट में सांस भरते हुए सीधे हो जाए। जैसे ब्रीद इन और ब्रीद आउट। यहां पर श्वास ले रही हूं, सामान्य रूप से ले रही हूं, छोड़ रही हूं, सांस भरी और सांस छोड़ दी। ये था त्रिकोणासन। ऐसा ही पादहस्तासन है, बहुत अच्छा ये अभ्यास है, लेकिन कमर दर्द वाले इसका नहीं करेंगे, और करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, पांव फैला लें। पहले मैं कमर दर्द वालों को बता रही हूँ कैसे करना है। आप ऐसे कर लें और सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे। और बाकी लोगों को कैसे करना है,
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़े। घुटना सीधा, आंखें बंद। जब आपको लगे कि अब हम नहीं रुक सकते इस पोज में, तो सांस भरते हुए सीधे अभी आंखें बंद रखेंगे, क्योंकि सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है। और इसके बाद इसका अपोजिट आसन अर्धचक्रासन। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। ये तो था खड़े होकर किए जाने वाले थोड़े से अभ्यास। अब मैं आपको बोलूंगी कि बैठ के कुछ करिए। तो बैठ के क्या करना है, सबसे पहले देखिए पांव लंबा करेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। आप सबसे पहले बोलूंगा वज्रासन में बैठना सीखिए। ये था वज्रासन। इस आसन में मैंने बोला खाना खाने के बाद 10 मिनट रोज जरूर बैठें, ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा। अब इसी के अंदर एक आसन है शशांक आसन। वज्रासन में शशांक आसन के लिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं और धीरे से धरती पर माथे को टिका दें, हाथ को फैला दें। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में बने रहें। श्वास लेते छोड़ते हुए आप एक मिनट तक रुकें। यह आपके ब्लड प्रेशर को भी सामान्य करता है, हृदय के लिए भी अच्छा है, मन को शांत करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। सांस भरते हुए सीधे उठें और रिलैक्स हो जाए। ये था शशांक। अब मैं इसके बाद बोलूंगी शशांक भुजंगासन। शशांक आसन तो मैंने करके बता दिया, शशांक भुजंगासन के लिए इसी वज्रासन में बैठना है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं और ऐसे कर लिया। अब जहां हाथ है उठ गए, ये भुजंगासन, और वापस पैरों पर अपने हिप को टिका लिए शशांक आसन। मैं आपको इधर वाले पोज में दिखा दूं, अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए, ये तो शशांक आसन था, ये भुजंगासन है। सांस भरी, श्वास छोड़ी। ये पोज आपके कमर को भी रिलैक्स करेगा और साथ ही साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा बहुत अधिक। तो ये था शशांक भुजंगासन। अब मैं बोलूंगी मेरु वक्रासन। मेरु वक्रासन के लिए पांव को ऐसे रख लें, एक पांव को मोड़ लें, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले आए और पीछे अपने शरीर को मोड़ लें। ये कमर के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। और फिर सांस भर के लिए सीधे दोनों तरफ से 5-5 बार जरूर करें इसका अभ्यास। अभी आपको बहुत नहीं रुक पाते तो मत रुकिए, लेकिन पोज बनाना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको डायबिटीज से बचाएगा। अगर डायबिटीज है तो उसे ठीक भी रखेगा, कंट्रोल करेगा। देखिए हमने पूरा अपने शरीर को पीछे मोड़ लिया है ताकि हमारे थाइस का दबाव इस पर पड़ रहा है और थाइस का दबाव पेट पर आ रहा है। ये 5-5 बार करना मेरु वक्रासन। अब इन आसनों के बाद, चूंकि पहले खड़े होके किया फिर बैठ के किया, अब पेट के बल लेट के करेंगे। पेट के बल लेटने के लिए प्रोन पोज कहते हैं। इसमें आप आ जाए और इसमें आप भुजंगासन, जो आपके बैक मसल्स को, लंग्स के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे सिंपल तो यही वाला है, लेकिन अगर आपको कुछ और भी करना है तो ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी अभ्यास 2-3 बार जरूर करें, अधिक कर सकते हैं तो अधिक कर लें। ये आपकी पूरी स्पाइन को हेल्दी रखने वाला अभ्यास है भुजंगासन। तो भुजंगासन मैंने आपको कई तरीके से बताया है,
किसी और वीडियो में और भी तरीका बता दूंगी कि ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी अर्धशर्मासन। मुट्ठी बनाएंगे, थाई जॉइंट के नीचे ले जाएंगे और अर्धशर्मासन बोल रही हूँ आज तक, क्योंकि कमर दर्द अधिकतर बड़े बुजुर्गों को होता है। सांस भरते हुए एक पांव को उठाए, ये हार्ट को तो रखता ही है, साइटिका के पेन से बचाता है, साइटिका नर्व को हेल्दी बनाता है, उस दर्द को ठीक भी करता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सांस भरे और सांस छोड़े, सांस भरे, ये भी 3 से 4 बार करेंगे आप, सांस भरे, सांस छोड़े। ये था अर्धशर्मासन। इसके बाद हम बोलोगे सरल धनुरासन। अगर आप दोनों पांव पकड़ पाते हैं तो पकड़िए, नहीं पकड़ पाते हैं तो सिंपल ऐसे ही कर लीजिए आप। ये भी आपके पेट के फैट को, डाइजेशन को, डायबिटीज को, सबके लिए लाभदायक है। बैक मसल्स को, लंग्स को आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और रिलैक्स हो जाएंगे। ये था सरल धनुरासन। अब मैं आपसे बोलूंगी कि आप बैठ जाए, मतलब लेट जाए, सीधे सीधे लेट के सबसे पहले जो आपको करना है, मन कमर को स्ट्रॉन्ग, कमर के दर्द से मुक्ति के लिए ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये भी आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आप देखेंगे कि पेट के साइड के इंटेस्टाइन और सब कुछ खींच रहा है, लीवर वगैरह सब पे प्रेशर आ रहा है। ये भी 4 से 5 बार करेंगे। उसके बाद मैं बोलूंगी सरल मुक्तासन कर लें, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये भी 4 से 5 बार करेंगे सरल मुक्तासन को। और अगर कमर में दर्द नहीं है तो सरल ये हलासन, अर्धहलासन, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। ये आपके पेट के फैट को कम करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गैस संबंधी सभी शिकायतों से बचाएगा। बिल्कुल ये थोड़े से अभ्यास मैंने बताया, इसके बाद अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सांस भरे भर रहे हैं, नासिका से प्रवेश कर गर्दन, धड़ और नाभि तक जाती हुई श्वास और उसी तरह छूट जाती है। बस श्वास को देखते चले, कब छूट रही है, कब आ रही है। क्योंकि इतने आसनों के बाद आपका शरीर थोड़ा थक गया है और वो प्राणायाम के लिए तैयार करने के लिए ये शवासन बहुत जरूरी है। तो सिंपल शवासन इसीलिए बोलिए। अब श्वास को देखिए, श्वास को देखते देखते सारी थकान दूर हो जाएगी और 5 मिनट के बाद करवट बदल के अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। मैं आपसे बोलूंगी कि आप 2 प्राणायाम जरूर करें, एक है नाड़ी शोधन, एक है भ्रामरी। क्योंकि अधिकतर बड़ी उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, ये सब शिकायत आती है, मन नींद नहीं आती है। तो इन दोनों प्राणायामों से सारी समस्याएं दूर होंगी। आप जैसे बैठ सकते हो वैसे बैठिए, पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अब तो वज्रासन में बैठना आपको आ चुका है। और अगर आप उसमें भी नहीं बैठ पाते तो क्रॉस लेग में बैठिए। तो मैं आपको बोलूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप सारे आसन करें, जो चीज़ शरीर से आराम से हो पा रही है इनमें से उन्हीं आसनों का अभ्यास कई बार अधिक बार बढ़ा दें, क्योंकि आपको 40 मिनट्स तो करना चाहिए ना। इसलिए अब मैं आपसे बोलूँगी नाड़ी शोधन के लिए एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बना ली है, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, इससे लिया इससे छोड़ा। ये क्रम आपको 5 मिनट करना है। मैं 2-3 बार करके बताऊँगी।
आपको लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पे ही खत्म करना है। पहले मुझे याद आए कि मैं आपको बता दूँ, इस प्राणायाम को लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट में ला के खत्म करते हैं और लंबी गहरी बिना आवाज के श्वास लेते हैं। तो नाड़ी शोधन का आपको 5 मिनट करना है। उसके बाद मैं बोलूँगी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए इसमें भौरे की गुंजन जैसा स्वर निकलता है। जब अपनी जीभ को पीछे मोड़ के आप तालू पे लगा लो, मुंह बंद कर लेंगे, कान बंद करना बहुत जरूरी है। नासिका से श्वास लेंगे और नासिका से श्वास लेने के बाद जो श्वास छोड़ी जाएगी वो भी नासिका से ही छोड़ी जाएगी, लेकिन मुंह बंद किए किए जब माँ बोलेंगे तो वो जो स्वर निकलेगा वो भौरे के गुंजन की तरह। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अगर आप रात में बिस्तर पे लेट के भी करते हैं तो नींद में तो बहुत अधिक सहायक है। कब नींद आ जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है जबरदस्त, मन को शांत रखता है, ब्रेन की मसाज करता है, सिर के अंदर आपको बड़ा अच्छा एहसास दिलाता है जब भी इस प्राणायाम को हम करते हैं। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो आपको बताया है, थोड़ा बड़ा है लेकिन जरूरी नहीं कि आप सभी आसन कर पाएंगे। आप जितने कर पा रहे हैं उतने करिए, क्योंकि आसनों के लाभ तो बहुत है और शरीर के इंटरनल ऑर्गन पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपका शरीर आसनों के लिए तैयार हो गया है तो इन आसनों को करके, क्योंकि ये सारे सरल आसन हैं जितने भी मैंने आपको बताए, और इन आसनों को करके आपको अच्छा लगेगा, शरीर एनर्जेटिक होगा, रोग मुक्त होगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।